महाराष्ट्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दो मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। रालेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अशोक उइके ने दर्शकों का मार्गदर्शन करते हुए जनाक्रोश आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का नेतृत्व अशोक उइके ने सरकार के खिलाफ किया था। इस जनाक्रोश मोर्चा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय से की गई थी। शतकारी के किसान और तालुका से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूदा सरकार के विरोध की घोषणा करते हुए शहर के मुख्य मार्ग पर उपमंडल कार्यालय पहुंचे। अशोक उइके ने यवतमाल जिले के भाजपा महासचिव एडवोकेट प्रफुल्ल सिंह चौहान ने सरकार के भ्रष्टाचार और कार्यशैली पर सवाल उठाया। इसके बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश काले से अनुरोध किया और उनसे अनुरोध पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को देने को कहा। नियमित देनदारों के खाते में तत्काल 50,000 रुपये का भुगतान किया जाए, तत्काल वैधानिक विकास निगम का गठन किया जाए, रोजगार गारंटी योजना की तत्काल गारंटी दी जाए। जनाक्रोश आंदोलन में ऐसी कई मांगे की गई। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।